बहुत बड़ी क्षति है। और मैं बताऊंगा कि काम ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन जो भी उन्होंने काम जो किया है, जितने भी गाने गाए हैं, वो एक एक गाना जो है वो एक हीरा की तरह चमक रहा है। उन्होंने बच्चन साहब के लिए भी गाए हैं, उन्होंने मिथुन जी के लिए भी गाए हैं, उन्होंने बहुत सारे सभी आर्टिस्टों के लिए अपनी आवाज़ दी है। और मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार और मुकेश मन्नाडे और उसके बाद मोहम्मद अजीज़ साहब को मैं उतना ही सैल्यूट करूँगा जो उन्होंने योगदान दिया है इंडस्ट्री को। बस अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि उनको जन्नत बख्शे। मेरा आखिरी सवाल आपसे, बड़ी मैं यू नो बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं देखता आया हूं जब भी अजीज साहब जैसी शख्सियत, पहले एक ही एंगल साहब, जैसे आपने कहा कि बच्चन साहब के लिए बहुत गाया जी, किसी ने इतनी जहमत नहीं उठाई कि एक ट्वीट भी करा जाए। डू यू थिंक इट इज वेरी अनफेयर? इट इज अ रियली वेरी अनफेयर। मैं इसके बारे में सुनील जी से कहूंगा कि सुनील जी आप कहें प्लीज इसके बारे में। इसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि इस इंडस्ट्री में सिर्फ उगते हुए केवल चांद सितारे और सूरज को केवल लोग सलाम करते हैं, लेकिन जहां इंडस्ट्री में लोगों को ये समझ में आ जाए कि किसी कलाकार की ज़रूरत हमें कम है, वहां पर उसे वो सम्मान नहीं दिया जाता जो सम्मान के हक के वो लायक है। मैं इस इंडस्ट्री से अपने माध्यम से और श्रवण भैया के माध्यम से इतना ही कहूंगा कि इस इंडस्ट्री में इतनी सूझबूझ होनी चाहिए। आप हमारे समाज के लिए एक आइडियल हैं और हमारे समाज को आप एक जो है राह दिखाते हैं। अगर इस तरह का आप पथभ्रष्ट हो जाएंगे तो आने वाला समाज हमारा कैसा होगा। हमें ऐसे मौके पर उपस्थित होकर उन्हें पूरी श्रद्धांजलि देनी चाहिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। चरण जी, मैं आपसे वापस बोली ना, हाँ बोली बोली, रब को याद करूँ, हाँ जी, और मर्द तांगे वाला हूँ, जी हाँ, बेहतरीन गाने वो भी बच्चन साहब की, जी हाँ, बच्चन साहब जो हर बात में अपनी टिप्पणी बिल्कुल देते हैं, हाँ जी हाँ जी, पे लिख देते हैं, हाँ जी, की बात करते हैं, हाँ जी, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, जी हाँ, तो आज कहाँ सो गए वो? व्हाट डू यू थिंक इज वेरी अनफेयर? देखिए ऐसा है कि मुझे लगता है कि कोई कम्युनिकेशन गैप है, बिकॉज आई थिंक जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर बच्चन साहब तक न्यूज़ पहुँची है तो वो डेफिनेटली ट्वीट रिएक्ट करते। मुझे लगता है कोई कॉम्बिनेशन जो है वो गैप है आया है, और मैं डेफिनेटली इस बात के लिए बहुत नाराज़ और बहुत दुख व्यतीत करता हूँ कि सिर्फ बच्चन साहब ही नहीं, ये पूरी इंडस्ट्री जो है, जिस जिस प्रोड्यूसर के लिए उन्होंने, जिस जिस हीरो के लिए उन्होंने गाने गाए हैं, उन सबको जो है श्रद्धांजलि मोहम्मद अजीज साहब को देनी चाहिए और वो हकदार हैं इसके। आखिरी सवाल आप जी, कितना अजीब इत्तफाक है जिसके वो हमेशा प्रशंसक रहे, जिनको जी, देख के वो आए जी, उन्हीं के साथ उन्हीं उसी कब्रिस्तान में जी। अरे ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि हमारे रफ़ी साहब जैसे, मोहम्मद रफ़ी साहब जैसे इतिहास बन चुके हैं, ऐसे ही हमारे मोहम्मद अजीज साहब भी इतिहास बन चुके हैं। थैंक यू सो मच।